अस्सलामु अलैकुम। आज मैं साबूदाने का वड़ा लेके आई हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए इसका रेसिपी बताते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साबूदाना है जिसको 1 घंटा भिगो के रखे थे। इसमें जाएगा 3 उबले हुए आलू जिसको कद्दूकस कर लिए। अब इसमें जाएगा चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्च। अब इसमें जाएगा करी पत्ता कटा हुआ और धनिया पत्ता। अब इसमें जाएगा चिल्ली फ्लेक्स। इसमें जाएगा थोड़ा अजवाइन जिसको क्रश करके, इसका फ्लेवर अच्छा आता है और हाजमा के लिए भी अच्छा रहता है। अब स्वाद अनुसार नमक और मिक्स करेंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें पहले ही डालना था, भूल गई, अब डाल रही हूँ। इसको भून लूँ, इसे बना करके। इसी तरह से सारे वड़े बना लेंगे। चलो अब इसे फ्राई करके बताते हैं। तेल पहले से गरम करने रखे थे तो ये तेल अब गरम हो गया है। ऐसा तरती पे रख करके अंगुल की सहायता से रखना, बड़ा धीरे से छोड़ देंगे। इसी तरह से सभी वड़े को बना के रखेंगे। दोनों तरफ से पलट कर फ्राई करेंगे। ये हो चुका है। सारे वड़े को फ्राई कर लेंगे। ऐसा भी बना सकते हैं, गोल शेप में भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी, जो भी शेप बना सकते हैं, शेप सेम रहेगा। मैं तोड़ के बताती हूँ। इतना टेस्टी लग रहा है, एक बार बना के देखें, खा के देखें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा वड़ा बना है, बहुत ही टेस्टी और अच्छा होता है। तो आप लोग भी एक बार बना के खाएं और अपनों को खिलाएं, दोस्तों में शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर के। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।